कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में गोहर विद्युत डिवीजन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामले में विद्युत विभाग द्वारा कोरोना संकट के दौरान एक दिव्यांग महिला कर्मी को फील्ड में झोंक दिया गया है। दिव्यांग महिला इस कार्य को करने के लिए पूरे परिवार के साथ फील्ड में जा रही है। महिला की सुरक्षा के लिए उसका दिव्यांग पति और बेटी सरकारी काम में उसका हाथ बटा रहे हैं। दोनों हाथों से दिव्यांग महिला कर्मी को 13,000 के करीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों का कैश एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कर्मी की बेटी कैश इकट्ठा करती पाई गई है। महिला का दिव्यांग पति बिल जमा करने आए उपभोक्ताओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के प्रति उन्हें जागरूक करता है और इसमें जूझता नजर आ रहा है। महिला कर्मचारी कठिनाई के दौर से गुजरने पर विवश है और विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं को भी काफी परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर लोगों में विभाग के प्रति आक्रोश भी पनप रहा है। जानकारी के अनुसार उपमंडल गोहर के गणेश चौक काउंटर के अंतर्गत 273 उपभोक्ता है, जिनमें 223 ने काउंटर पर कैश जमा करवाया है। इसमें 2 लाख से अधिक की राशि भी एकत्रित की गई है। दिव्यांग महिला कर्मचारी कुंता देवी ने कहा कि वे विद्युत मंडल गोहर के अंतर्गत सब डिवीजन गोहर में बतौर सीनियर असिस्टेंट काम करती हैं। उन्होंने बताया कि शारीरिक तौर से 83% दोनों हाथों से वे दिव्यांग हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय में सब कार्य करती हैं, लेकिन फील्ड में ड्यूटी लगने से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। कुंता देवी ने कहा कि लॉकडाउन में बसों की सुविधा नहीं है। विभाग के अधिकारी कभी कभार सरकारी जीप या ट्रक में छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकतर समय आने जाने के लिए औरों पर मोहताज होना पड़ता है। सरकारी ट्रक में दोनों हाथों से दिव्यांग होने के कारण वे चढ़ नहीं पाती हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड में जाने के लिए 300 रुपये खर्च कर टैक्सी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उसे फील्ड में काउंटर लगाने के लिए वो कार्यालय से टेबल व कुर्सी भी लेकर जानी पड़ रही है। 19 को और आज 20 को मैं गणाई हूँ। और कल भी आपकी ड्यूटी लगी है? कल मेरी चार चौक में यही बिल है जो 25-26 तक लगातार बिल का ही मतलब जमा करने का रखा हुआ। तो आपको समस्या तो बहुत आ रही है ना? फिर जब मुश्किल हो जाए सामान टेबल कुर्सी नीठी हो तो मैंने क्या करना काम? सर जी देखा वो तुम्हारी बड़े रोने से नहीं होगा कुछ, बोले आपको जाना पड़ेगा। नहीं आपने इसके बारे में एक्शन साहब को बताया तो उन्होंने क्या बोला? रोने से कुछ नहीं होगा, जाना पड़ेगा। और आपने साहब ने बताया भाई मेरे पास स्टाफ नहीं है और आपको जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें एसटीओ का ही काम है, एसटीओ देखता है। बोलते मैं तो बोलते इस काम को देखता नहीं हूँ। मैं गई नहीं अपनी समस्या लाने, एक्शन तो मेरा आज तक पूछा नहीं है जब तक मेरी प्रमोशन है। बोलना नहीं जी आपको क्या देखती गवर्नमेंट को कितनी प्रश्न होती है हेडक्वार्टर में 2-2.5-3-300 बिल कटने मैंने और फिर रात को 12-1 बजे होना खत्म, फिर उसके बाद दूसरा फाइलों का काम। वहीं विभाग के उच्च अधिकारियों से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उन्हें एक कर्मचारी साथ दें जिससे वे कैश की जिम्मेदारी ले सकें। दिव्यांग होने के कारण कैश की रक्षा करने के लिए उनके लिए खतरे से कम नहीं है। मामले को लेकर नरेंद्र कुमार ठाकुर अधिशासी अभियंता विद्युत मंडल गोहर ने कहा कि महिला कर्मचारी दोनों हाथ से दिव्यांग है, इसे कर्मी के साथ भेजने के आदेश हुए थे। उनकी माता के निधन हो गया है। मामला सामने आने के बाद एसडीओ गोहर को समाधान करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उसके दोनों हाथ नहीं है और उसको कैश काउंट करने में दिक्कत आती है, नहीं वो तो उसकी बेटी जो है स्पॉट पे उसकी हेल्प कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसके हेल्प करने के लिए तो हमने एक फील्ड एसटीओ साहब से जो पता चला कि फील्ड स्टाफ का भी एक आदमी को वहां उन्होंने डिप्यूट किया होगा, लड़की तो उनकी नहीं, वो वहां पे ऐसी इस तरह से कैश या हेल्प के लिए बोला होगा। बाकी ये एसटीओ साहब की कॉम्पिटेंसी का मामला है, उन्होंने कैसे डिप्यूट किया ध्यान में आपने लाया तो मैंने इसका समाधान कर लिया, बस इस संदर्भ में मुझे इतना ही कहना है। छोटी काशी मंडी में देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पूर्व प्रधानमंत्री को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव चेतराम ठाकुर ने स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा देश के लिए किए गए बलिदानों को याद किया और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का देश के लिए बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय राजीव गांधी के बताए गए पद चिन्हों पर चलने की अपील की। वहीं उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कोरोना महामारी के कारण देश व प्रदेश में आए संकट की इस घड़ी में समाज के असहाय व निर्धन लोगों की सहायता करने की अपील भी की। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती समारोह पर आज हम इस महामारी कोविड-19 के मद्देनजर नियमों के तहत आज सूक्ष्म आयोजन जिला मंडी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया गया और राजीव गांधी जी के बारे